नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करेंगे 30 अक्टूबर 2018 की मेजर हाईलाइट्स एमसीक्यू में, और ये चल रहा है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। तो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कर देना गाइस। और इससे पहले देखो, लास्ट वीडियो में जो कोई क्वीज़ आपसे पूछा गया था वो था CEO ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक का कौन है अभी, तो सतीश कुमार गुप्ता होगा, ठीक है। और आप अभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लेना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको मिल जा रहा है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो कहाँ पे फर्स्ट मेगा फूड पार्क ऑफ गुजरात इनॉग्रेट हुआ है। तो ये हुआ है आपका सूरत में, ठीक है। तो ये आपका हिंदी क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच टेनिस प्लेयर हैज ओन द बेसन ओपन 2018 टाइटल, किसने जीता है। तो ये जीता है रॉजर फेडरर ने। आप हिंदी का क्वेश्चन देख लीजिएगा। विच इंडियन प्लेयर हैज ओन सिल्वर इन अंडर 21 बेल्जियम ओपन, ठीक है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अहिका मुखर्जी ने जीता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हिच इंडियन गोल्फर हैज ओन द पैनासोनिक ओपन इंडिया 2018 टाइटल, किसको मिला है। तो ये मिला है खलीन जोशी को। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट में कौन सा मोस्ट डेंजरस कंट्री है जो टूरिज्म वर्ल्ड में जो है फैला रहा है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट के अनुसार जो है दैट इज पाकिस्तान आपका हो जाएगा। नो, ये ऑप्शन जो है ये आपका, रुकिए मैं करेक्ट कर देता हूँ। हाँ, तो ये एक्चुअली आपका पाकिस्तान हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो मैंने करेक्ट कर दिया आंसर। अच्छा चलिए देख लेते हैं, सिक्स हु आर द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने 3 consecutive 100 ODI क्रिकेट में रिसेंटली किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच कंट्री ने रिसेंटली जीता है एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2018, दोनों के एक ही जो है मतलब उनको दिया गया, कौन सी कंट्री को। इंडिया, पाकिस्तान, बोथ करेक्ट, नन ऑफ दिस। तो एक्चुअली क्या होगा, सी हो जाएगा, बोथ करेक्ट, इंडिया पाकिस्तान को जॉइंटली मिला है ये अवार्ड, ठीक है। हु हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, माइक डी हिगिंस, ठीक है, माइक डी हिगिंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, मदन लाल खुराना जिनका देहांत हो गया, वो कहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। तो वो न्यू दिल्ली के थे, ठीक है। और वेयर वॉज द रिसेंट 6th edition ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हुआ है। तो ये हुआ है आपका न्यू दिल्ली में। हाउ मच कंट्रीब्यूशन इंडिया ने किया है UN पीस कीपिंग मिशन में। तो इंडिया ने किया है इस बार $3 million। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील, कौन बने हैं नया प्रेसिडेंट। तो दैट इज ऑप्शन बी, जेयर बोल्सोनारो, ठीक है। और आज का क्विज जरूर देख लीजिए, रिसेंटली प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने कहाँ पे इनॉग्रेट किया है 11th इंटरनेशनल आर्या महासम्मेलन इन हुई सिटी।